बार ओंकार करेंगे। योगा के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आंखें बंद कर लीजिए, गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ें। सांस भरें, ओंकार के लिए अपने अपने गुरु को याद कीजिए और गुरु ब्रह्मा का श्लोक बोलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गहरी सांस। मुस्कुराते हुए छाती को थोड़ी सी कड़क कर दीजिए, रीढ़ जैसे सीधा करे, गर्दनी लाइन में कीजिए और धीरे धीरे सांस। फिर से गहरी लंबी सांस और सांस छोड़ें। हाथ को कड़क कीजिए, पेट को अंदर दबाए और धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को रोटेट कीजिए। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए पीछे पूरे पेट पे ही काम करना है। सांस छोड़ते वक्त और सांस भरते वक्त, सांस भरते वक्त राइट से पीछे जाएंगे, आगे आएंगे सांस छोड़ते वक्त। देखो कोऑर्डिनेशन, सांस भरे आगे आए, सांस छोड़ते हुए पीछे चले। और पूरा काम पेट पे ही करना। गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए पीछे जाए, गहरी लंबी सांस भरते हुए आगे आए, रीढ़ की हड्डी सीधा करें, पीछे जाए हल्का सा आर्च से पेट को अंदर दबाए। फिर रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड से पीछे जाएं, राइट से आगे।
ऐसे 1 मिनट क्लॉकवाइज और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज हमने कर लिया तो पूरी रीढ़ की हड्डी को मसाज मिले। फिर कपालभाति शुरू करते हैं, गहरी सांस और कपालभाति। गहरी सांस और अग्नि सांस। तब तक अग्निसार करना है जब तक आपकी सांस रोकने की कैपेसिटी बाहर रोकने की कैपेसिटी रहे। और विश्राम, याद रहे नाक से बहुत फोर्स नहीं करना है सांस का, खाली पेट से काम करना। गहरी सांस भरे और दूसरा राउंड कपालभाति का शुरू। गहरी सांस, सांस बाहर फेंके और अग्नि सांस, पेट को अंदर बाहर हिलाएं सांस बाहर रोककर। और चेक करते जाना पहले दिन और अब तीसरे दिन में कितना धीरे धीरे फर्क आने लग रहा है। तीसरा राउंड गहरी सांस भरे और शुरू करें कपालभाति। और गहरी सांस भर, सांस को बाहर फेंक और अग्निसार कर, सांस बाहर रोके पेट को अंदर बाहर हिलाते। और राउंड आज करते हैं, गहरी सांस भरें और कपाल। गहरी सांस और अग्नि सांस, सांस बाहर रोके पेट को अंदर बाहर हिलाए, नाभि को रीढ़ की हड्डी तक ले जाए हिलाते। और विश्राम,
लेफ्ट हैंड को होनी के साथ नीचे, जहां तक आप नीचे जा सकते हो वहां तक जाना है। राइट हैंड को साइड से लेके कंधे को कान तक और हथेली को टाइट करें और हथेली से लेफ्ट साइड आपको कंधे को ले जाना है खींचते हुए। गहरी सांस, कान और कंधे का कोऑर्डिनेशन रखें और कंधे को खींचे ताकि कमर से नाड़ियां खुले और कपालभाति खुले। और विश्राम, गहरी सांस और सांस को बाहर फेंके और अग्नि सांस, सांस बाहर रोक। राइट हैंड जमीन पे लगाए कोनी एल्बो सपोर्ट के लिए, लेफ्ट हैंड को उठाएं कान के ओर ले जाएं, लेफ्ट कान की ओर, हथेली टाइट कीजिए, हाथ कोनियों से सीधा कीजिए, गहरी सांस भरें और लेफ्ट हिप्स को जमीन पे दबाएं और शुरू करें। और विश्राम, गहरी सांस और अग्नि सांस को बाहर फेंक, बाहर रोक कर पेट को ही। धीरे से राइट हैंड को लेफ्ट घुटने के पास रखें और लेफ्ट हैंड को कंधे से पीछे ले जाएं और पीछे ले जाकर ट्विस्ट करते रहना, यानी पिछला कंधा और पीछे जाएगा ट्विस्ट में, आगे वाले हाथ से ट्विस्ट के लिए और प्रेस करते और शरीर को पीछे से भी खोलना है और आगे से भी। गहरी सांस भरें और शुरू करें कपाल। और विश्राम, कंधे को ढीला, गहरी सांस, सांस को बाहर फेंके और अग्नि सांस, कहते जहां सांस का ठहराव होता है शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, वही ईश्वर की सच्ची का लोप होती है। तो उस जगह पे अपने मन को टिकाए रखें, लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटने के पास, राइट हैंड पीछे ले जाए, नाभि के लाइन में लाए, कंधे के लाइन में रखें, गहरी सांस भरें और ठीक करते हुए पेट
और विश्राम, कंधे को ठीक। धीरे से पैर को सीधा, रोज हिलाते हैं उस तरह से, पैर की उंगलियों को टाइट हिलाते हैं। कम से कम 50 बार करना है डेली, तो हमारे पैर की नाड़ियां खुलेंगी, पैर के पंजे ले लो, और ये तो आप मुस्कुराते हुए कर सकते। घुटने को टाइट और ढीला कर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर। अब हाथ से पैर पकड़ सकते हो तो पकड़िए, या जमीन पे हाथ रखिए, छाती कड़क की, पेट आगे लाइए। अब धीरे धीरे उंगलियों से चलते चलते आगे आना है और कपालभाति के स्ट्रोक लगाने हैं। दृष्टि पैर के अंगूठे की ओर, गहरी सांस भरे और आपको छाती आगे लाने की चेष्टा करनी है और छाती को कड़क रखना है। शुरू करो। और पैर को स्पर्श करते हुए सीधा करें, थोड़ी देर आंखें बंद करें, हाथों को सपोर्ट ले, छाती टाइट करें, पेट के सीधा करें, गर्दन सीधी करें, गहरी सांस लें और सांस बाहर फेंके, आंखें बंद रखें और अगली सांस लें। अब धीरे से इसी पोजीशन में लेफ्ट साइड जाए, राइट हैंड को जितना पीछे ले जा सकते उतना ले जाए, राइट कंधे में ज्यादा इफेक्ट होगा, और रीढ़ की हड्डी लंबर पार्ट पे काम करेंगे। गहरी सांस भरें और कपालभाति लगाते लगाते अपना नाक जमीन पे लगे पीछे की ओर, ऐसा उन्हें आगे बढ़ना। और धीरे से वापस आए।
राइट कंधे में और लेफ्ट कंधे में फर्क देखिए, एक भारी लगेगा एक हल्का लगेगा, दोनों कंधे हिला लीजिए। गहरी सांस भरें और अग्निसार करें। रिवर्स लेफ्ट ऊपर लाएं, छाती कड़क करें, हाथ आगे ले आए, उंगलियों से चलते जाएं, सामने देखें, गहरी सांस भरें और कपालभाति करते हुए आगे बढ़े। एंड रिलैक्स। तीन आसन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये जो है ये पश्चिमोत्तमासन की सीरीज है, आगे झुकने वाले एक ट्विस्ट सीरीज है, उसको अर्धमस्तिष्कासन कहते हैं, और एक पैरों से हम ट्विस्ट सोते सोते जब करते हैं उसको नटराज आसन। ये तीनों रीढ़ की हड्डी को मजबूत और बेस्ट बनाने के लिए। अब दूसरी लेफ्ट साइड जाए और जहां तक जा सकते हो वहां तक जाने के बाद अब सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना है, पेट को धक्का शुरू करें। एंड वापस आ और कंधे को दे। अब धीरे से राइट लेग को लेफ्ट थाइस पे रख, जंगा पे रख, राइट घुटना दबाए जितना दबा सकते हो, लेफ्ट हाथ आगे ले आए और लेफ्ट कंधे को खींचते खींचते आगे जाना है और छाती को आगे ले जाना है, और गहरी सांस भरनी है और कपालभाति करते जाना है। शुरू करें। और विश्वास परिवर्तन को महसूस करें। धीरे से राइट लेग को सीधा करें, लेफ्ट को लेफ्ट थाइस और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने को जमीन पे दबाएं, जितना दबा सकते हो, अगर दर्द है तो कम करें। राइट हैंड को राइट लेग के पास और उंगलियों से चलना है, चलते चलते आगे झुकना है और रीढ़ की हड्डी को पेट से आगे खींचना है। गहरी सांस भरें और देखते देखते करें। और धीरे से पैर को ढीला करके ठोक कर कुल्हे से चल। इसके बाद जैसे बैठोगे ना अपने आप ध्यान लगने लगेगा।
कि जितनी बार हम नाभि को हिलाते, नाभि का काम है क्रिएशन और बॉडी को हील करना। हमारी चेतना को पूरा हम नाभि तक पहुंचा रहे हैं। दोनों पैर फैला दीजिए। अब यहां से वापस स्ट्रेच करेंगे जैसे कल किया था। अब छाती कड़क करो, हाथ आगे लाओ और उंगलियों से ऐसे चलना है। चलते चलते हमारी छाती को जमीन तक ले जानी है। जिसका जितना कैपेसिटी हो उतना करें। डेली हम रूटीन में करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। गहरी सांस भरे, सामने की ओर हथेली को, उंगलियों को देखें और आगे बढ़े। और विश्राम, हाथों को घुटने के नीचे रखते हुए पैर को ढीला कर। और बटरफ्लाई इस प्रक्रिया के साथ साथ मन की स्थिति देखो। सांस के ठहराव को भी देखते जाए। अब धीरे धीरे पैर को फैलो, छाती कड़क कीजिए, कंधे उठाएं और राइट घुटना लेफ्ट एडी के पास और लेफ्ट घुटना राइट एडी ऐसे सो। हंसते हंसते आनंद के साथ करते जाएं। दर्द को हजम करती है। जहां पे भी दर्द हो रहा है इसका मतलब है कि वहां पे आपकी नाड़ियां ब्लॉक है। खून का बहाव, शक्ति का बहाव वहां से आगे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको करने में दर्द होता है। कोई बात नहीं, करते करते ही इस दर्द को हम खा जाएंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी दर्द होता है तो ये सारी क्रियाएं छोड़ दें। डॉक्टर की तरह काम करना है। डॉक्टर छोटा दर्द निकालने के लिए बड़ा जख्म देता है, उसके बाद छोटा दर्द निकलता है। तो दर्द के साथ ही दर्द को खत्म करें। बस आप अपनी कमिटमेंट बनाए रखें और तैयारी करें। और धीरे धीरे हाथ को और पीछे ले जाए। अब क्या करेंगे, घुटने को छाती के पास लाएंगे और पैरों को सामने ले जाएंगे। वन, थोड़ा क्रॉस हो जाए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन सिक्स फोर कुछ लेट की करेंगे। लेटने से पहले हम मंजरी आसन, अगर मान लो यहाँ पे घुटने में आपको दर्द है तो यहाँ पे आप पिलो लगा सकते हैं या पैर लगा सकते। अब लेफ्ट लेग को सीधा कीजिए और लेफ्ट लेग को लेफ्ट कोहनी के पास लाइए। वन टू और थोड़ा झटका लगाए। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन। अब राइट लेग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
लेफ्ट लेग को वापस उठाएं और सीधा कीजिए। अब क्रॉस करेंगे, राइट एल्बो को लगाएं, वन घुटना, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड अब राइट लेग उठाएं और लेफ्ट एल्बो को लगाएं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड अब लेफ्ट लेग को ऐसे उठाएंगे और कॉनी के पास ले जाएंगे, वन, टू, थ्री, कंधे के लाइन में घुटना लाओ, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड राइट लेग कंधे के लाइन में, कंधे के पास, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन इसी पोजीशन में लेफ्ट लेग को लेफ्ट हाथ के पास लाएंगे, पंजे के पास, लेफ्ट हैंड के पंजे के पास, ऐसे लेफ्ट, और पीछे से राइट घुटना उठाएंगे, वन। अब धीरे से घुटना नीचे रखें, पैरों को पीछे भेजें, दूसरा पैर, राइट लेग आगे और लेफ्ट घुटना ऊपर, वन, वापस लेफ्ट। अब घुटने को उठाए रखो और पैरों को आगे पीछे ले, लेफ्ट पीछे राइट आगे, राइट पीछे लेफ्ट आगे, लेफ्ट पीछे राइट आगे, राइट पीछे लेफ्ट आगे, लेफ्ट पीछे राइट आगे, राइट पीछे लेफ्ट आगे, लेफ्ट पीछे राइट आगे, राइट पीछे लेफ्ट राइट आगे, लेफ्ट राइट आगे एंड लेफ्ट। कूल्हे को एड़ी तक ले जाए, सर जमीन पे रखें, भीतर परिवर्तन चेंज देखिए, सांस को ढीला छोड़ते, गहरी सांस पर इसी पोजीशन में कपालभाति करेंगे, सांस छोड़ते वक्त पेट को अंदर दबाते रहें और एड़ी पे खिसकते जाएंगे, पूरा शरीर का वजन जमीन पे ढीला छोड़ें, धीरे से हाथ घुटने पे रखते हुए सर उठाएं, जहां तक आप पैर पे प्रेशर दे सकते हो दे, अगर नहीं दे पा रहे तो हाथ का सपोर्ट लेके एक बार बैठने की चेष्टा करें और वापस धीरे से पैर सीधा कर दीजिए और लेट हाथों को गर्दन के नीचे रखें, दोनों पैरों को पास रखें, पंजे एरिया हिप्स के पास, आंखें बंद करके राइट लेग को सीधा करें
और 90 एंगल ऊपर ले जाना है और नीचे छोड़ना है, और ऊपर में हंसना है, नीचे में भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर पकड़ के रखो और हाथों से पैरों को बांध लो। अब धीरे धीरे पैर को घुटने से मोड़ो और ऊपर ले जाओ, मोड़ो ऊपर नीचे 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 ऊपर नीचे। अब बाहर से बांधो पैर को और घुटने को छाती की ओर, पहले से कितना फर्क है वो दिखते थे, और दूसरा पैर सीधा करो हवा में और उसको 90 एंगल ऊपर और नीचे ऊपर 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 नीचे। और थोड़ा नसीबा, अब दाढ़ी घुटने को लग रही है, नहीं लग रही है तो अपने कमाई के हंस सकते, और यहाँ पे पैर के पंजे को रोटेट कर पास कर, और थोड़ा नसीबा और थोड़ा और दोनों पैरों को वापस ले लीजिए। लेफ्ट लेग को सीधा करें और ऊपर नीचे 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 ऊपर और टाइट करके पकड़ो और दोनों हाथों से पैर को बांध घुटने के नीचे के पास। अब पैर की एड़ी नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर हंसते हंसते लिफ्ट करोगे तो 100 बार करेंगे, ऊपर पकड़ के और धीरे से दोनों हाथों को मदद से घुटने को बाहर से लॉक करो छाती के पास, और दूसरा पैर राइट लेग को सीधा करो और उसको ऊपर अप एंड डाउन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर 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 और घुटने को और पास लाओ, दाढ़ी छाती को या घुटने को नीचे वाला हिप्स को जमीन पे चलाए लंबी गहरी सांस का इस्तेमाल कर और हाथों को कमर के नीचे रखो, गर्दन को थोड़ी सी उठा के रखो ताकि आप मुझे देख पाए। अब दोनों पैर को 90 एंगल उठाना है और 45 नीचे ऊपर 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 नीचे ऊपर
ऊपर पकड़ के रखो, हाथ को पीछे और हाथों से पैर को छूना है, कंधे का गोलाकार बनाते हो साइड से ऊपर और पीछे ले जाए, साइड से ऊपर लाओ, ऊपर और पैरों को जमीन पे रखें, हाथों को कंधे पे, गर्दन के पीछे रखें, पैर के अंगूठे टच करें और घुटने को छाती की ओर दबाना है, कमर उठा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. पैरों को जमीन पे दबाएं और कमर उठाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथों को साइड पे रखें और दोनों घुटने राइट साइड ले जाएं और लेफ्ट साइड ले जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and done. हम शरीर के अलग अलग भागों पे ध्यान दे रहे हैं और मैं एक अंग का जिक्र करता जाऊंगा, आपको बिना हिलाए मन से उस भाग के दृष्टि पर गहरी सांस पर और सांस को छोड़ फिर से गहरी सांस पर पूरी छाती और पेट को फैलाएं और छोड़ दीजिए। फिर से गहरी सांस भर, पेट और पैर को पूरा टाइट कर दीजिए और टाइट कीजिए और टाइट और टाइट और ढीला। गहरी सांस भर, छाती, कंधे, हाथ, गला, चेहरा टाइट कर और टाइट कीजिए और टाइट कीजिए। और ढीला फिर से गहरी सांस भर, पेट टाइट कीजिए, छाती टाइट कीजिए, पैरों को टाइट कीजिए, कंधे को टाइट कीजिए, हाथों को टाइट कीजिए,
पूरे शरीर को टाइट कर दे और कर दे और कर दे और ढीला छोड़। फिर से गहरी सांस ले पूरे शरीर को टाइट कर पूरे शरीर को टाइट और टाइट और टाइट और टाइट और विश्राम। शरीर को पूरा ढीला आंखें बंद रखते हुए पूरी दृष्टि सांस पे रखें, सांस के मार्ग पे रखें, पूरे अस्तित्व पे रखें शरीर को। योग निंद्रा करेंगे और मंत्रों के साथ करेंगे। कहते हमारे अलग अलग शरीर के भागों में देवी देवता है और हर देवी देवताओं का एक एक स्थान है। स्थान में बोलता जाऊंगा मंत्रों से आप नाम सुनते गहरी सांस भर के छोड़ दीजिए शरीर। नापी नाभि पे ध्यान दे जाए। इस नाभि के प्रति कृतज्ञ हो जाए। चेहरे पे हाथ भुजाएं कंधे पेट
हृदय छाती धड़कन को सुनते जाएं, गला नासिका नाक नोज नॉस्ट्रिल्स आंखें आईज कर्णयो रश्मिनौ तिष्ठेताम् कान ईयर्स ललाटे गुद्रास्तिष्ठन्तु कपाल फोरहेड पूरे शरीर के अंग को पसंद चेहरे को प्रसन्नता दीजिए प्यारे से मुस्कुराहट इस सर को महसूस कीजिए सर की चोटी को महसूस टॉप ऑफ शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु और बाहर जाती सांस के साथ भीतर की शांति और मुक्ति को महसूस कीजिए और एहसास कीजिए कि शांति और मुक्ति पूरे वातावरण में फैल रही
पूरे वातावरण में दिव्यता शांति और मुक्ति फैल रही है। सब प्रसन्न आनंद शांतिमय हो रहे ऐसा समाज के समाज के लिए प्रार्थना की ज्ञान भक्ति और प्रेम मेरे जीवन सामाजिक सब प्राप्ति हो सांस पे दृष्टि दोनों आइब्रो के बीच दृष्टि ततो बहि सर्वतो वृत्वाला माला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वी देवी देवताओं को नमस्कार। ईश्वर के आभारी सृष्टि के आभारी प्रकृति के आभारी धीरे भीतर रहते हुए आंखें जय गुरु। आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे उसके बारे में चर्चा करें। खाने में देखो तीन हम कर रहे हैं, जितना हल्का खा सकते हो उतना खाइए तो उतना आराम मिले। जिनको जॉइंट्स पेन वो खट्टी चीज अवॉइड कीजिए और लिक्विड पे आ धीरे धीरे ज्यादा लिक्विड का उपयोग कीजिए तो आपका दिन शुभ आपका दिन मस्त। जय गुरुदेव। अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।